नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लैक डायमंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स का डे 5 है। आज की क्लास है फेशियल की। दोस्तों, आज की क्लास फेशियल की तो है, लेकिन आज मैं आपको फेशियल नहीं करके बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी आपको फेशियल स्टेप। किस तरह से हम फेशियल के दौरान जब हम मसाज करते हैं तो किस तरह से हम स्टेप्स करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट एक फेशियल किट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे मसाज स्टेप। तो हमें मसाज स्टेप्स के स्ट्रोक्स के नेम अच्छे से आने चाहिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि जब हम मसाज करें तो बहुत ही अच्छा सा उसका रिजल्ट आए। तो आज की क्लास में आप फेशियल स्ट्रोक्स के नेम जानेंगे और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मसाज स्टेप्स करते हैं, क्या है उनके। दोस्तों, सबसे पहले फेशियल स्ट्रोक के नेम जान लेते हैं कि किस स्ट्रोक को क्या कहा जाता है। तो ये है बिग सर्कल, पूरे फेस को इस तरह से कवर करते हैं तो इसे बोलते हैं बिग सर्कल। ये है स्मॉल सर्कल, जो छोटा सर्कल बनाते हैं। ये अपलिफ्टिंग, ऊपर की ओर फेस को करते हैं। ये है जिगजैग, इस तरह से दो फिंगर ऊपर नीचे जाता है तो इसे बोलते हैं जिगजैग, और इस तरह से ऊपर नीचे जाता है तो इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस। और ये है दो फिंगर ऐसे और एक फिंगर इस तरह से, ये है सीजर स्ट्रोक। तो ये जो फेशियल के स्ट्रोक्स नेम है और स्ट्रोक्स हमें याद होने चाहिए जब हम फेशियल करें, उसके दौरान हम सारे स्टेप्स में ये स्ट्रोक का यूज करते हैं। इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं तो पूरे फेस पे इस तरह से पिंचिंग की जाती है, टैपिंग की जाती है, प्रेसिंग और वाइब्रेशन। तो ये तो हो गए स्ट्रोक नेम। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ पूरा फेशियल स्टेप किस तरह से हम हैंड मूवमेंट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेशियल भी करके दिखाऊंगी। तो फेशियल करने से पहले हमें स्ट्रोक के नेम और हमें अपना हैंड मूवमेंट करना आना चाहिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से स्ट्रोक्स को यूज करना है। दोस्तों, मैं ये आपको मसाज के स्टेप बता रही हूँ कि जब हम 10 मिनट मसाज करते हैं उस दौरान हमें किस तरह से अपने हाथों को लगातार चलाना है, क्योंकि जितना फेशियल का क्रीम इम्पोर्टेंट होता है उतना ही हमारे मसाज का जो स्टेप है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें अच्छे से मसाज करना आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले ये है जनन एप्लीकेशन। हाथों में क्रीम लेते हैं और इस तरह से चिक, अपर लिप्स, नोज पे इस तरह हाथों को सटाते हैं, फोरहेड पे आएंगे, टेम्पल पॉइंट्स पे, वापस से चिक। तो ये हो जाता है जनरल एप्लीकेशन। इस तरह से हमें क्रीम को पूरे फेस पे अप्लाई करना है और हमें जनरल एप्लीकेशन करना सीखना है। उसके बाद हम इस तरह से नेक के पार्ट पे अपलिफ्टिंग करेंगे और स्लाइड वर्ड करेंगे, हाथों को इस तरीके से चलाएंगे। उसके बाद हम जॉ लाइन पे आ जाएंगे और बीच में जनरल एप्लीकेशन इस तरह करते रहेंगे। जॉ लाइन पे कपिंग एंड आयरनिंग करेंगे बोथ हैंड से इस तरीके से, इसे बोलते हैं कपिंग एंड आयरनिंग। अब जॉ लाइन सेंटर में दबाएंगे और इस तरह से प्रेसिंग करेंगे, चिन पे दबाते हैं और ईयर के यहाँ ईयर लोब तक आते हैं, और सेम उसी तरह पिंचिंग भी करते जाएंगे और सीजर स्ट्रोक करेंगे जॉ लाइन पे। जो सारे स्ट्रोक हैं बारी बारी पूरे फेस पे हम करेंगे, जिगजैग इस तरह से स्टेप करते हुए हमें मसाज करना है। फिर से जनरल एप्लीकेशन करेंगे। अब हम चिन, लिप, अपर लिप को कवर करेंगे। तो इस तरह से इंडेक्स फिंगर से स्मॉल सर्कल बनाएंगे, ऊपर हाफ मून कर बनाते हुए इस तरह से देखिए स्मॉल सर्कल बनेगा, ये क्रिस क्रॉस, और लिप्स के कॉर्नर पे SN8 बनाते हैं इस तरह से फिंगर से, और अपलिफ्टिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 3 2 1। ये हो गया हमारा चिन, लिप्स और अपर लिप्स पे मसाज। अब फिर से जनरल एप्लीकेशन,
थोड़ा सा क्रीम लेंगे और आएंगे अभी नोज पे। नोज पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से स्मॉल सर्कल बनाएंगे। आप इंडेक्स फिंगर से या थंब से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल सर्कल बनाएंगे। उसके बाद नोज के कॉर्नर पे इस तरह से SN8 सीजर स्ट्रोक करेंगे। एक हाथ रखेंगे चिन पे और दूसरे हाथ से इस तरह से सीजर स्ट्रोक करते हुए हेयर लाइन पे आएंगे और स्लाइड डाउन फिर से नोज पे आ जाएंगे। जिगजैग करते हुए हेयर लाइन पे आते हैं, नीचे फिर स्लाइड आ जाएंगे, फिर इस तरह से जिगजैग करते हुए स्लाइड डाउन। नोज के कॉर्नर पे SN8 बनाएंगे और नोज टिप पे इस तरह से अपलिफ्टिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक पे, जॉ लाइन पे, चिन, लिप, अपर लिप, नोज तक का। तो इसी तरीके से जो भी स्ट्रोक्स हैं हमें आगे के भी पार्ट में यूज करते जाना है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आ जाएंगे आईज पे। आईज पे हमें रिंग फिंगर से इस तरह से स्मॉल सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से स्मॉल सर्कल बनाते हुए पूरे आईज को कवर करना है और ये डार्क सर्कल के लिए इस तरह से हमें हल्का हल्का दबाते हुए टेम्पल पॉइंट पे प्रेस करना है। इसे टेम्पल पॉइंट बोलते हैं। और एक हाथ रखेंगे चिन पे और दूसरे हाथ से इस तरह से SN8 बनाएंगे। एक हाथ रखेंगे चिन पे और दूसरे हाथ से SN8 बनाएंगे। टेम्पल यहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें SN8 बनाना है। तो आप भी इस तरह से अपने घर के किसी भी सदस्य को बैठा करके, अपनी दीदी, भाभी, मम्मी, किसी को भी बैठा के अपना आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अच्छे से आपके हैंड मूवमेंट हुए तो फेशियल भी बहुत ही अच्छे से होगा। अब आएंगे हम लोग आईब्रो पे। आईब्रो पे इस तरह से पिंचिंग और प्रेसिंग, पिंचिंग और प्रेसिंग, और इस तरह से अपलिफ्टिंग करते हुए प्रेशर पॉइंट पे, टेम्पल पॉइंट पे इस तरह से प्रेस करना है। और इसी तरह इधर भी आना है, अपलिफ्टिंग करते हुए हमें टेम्पल पॉइंट पे प्रेस करना है। और ये स्टेप करना है हमें 10 मिनट तक। ये सारे स्टेप करने पे 10 मिनट हो जाते हैं, हमारा मसाज भी कंप्लीट हो जाता है और पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से मसाज हो जाता है। उसके बाद फिर से करेंगे जनरल अप्लीकेशन और अब आएंगे फोरहेड पे। फोरहेड पे स्मॉल सर्कल, फोरहेड और इस तरह से करेंगे अपलिफ्टिंग। एक तरफ से दूसरी तरफ आएंगे और इस तरह से जिगजैग बनाएंगे। जेट फॉर्म में हेयर लाइन से एस आएंगे, फिर सेंटर में, फिर उसके बाद आईब्रो के पास। उसी तरीके से हम सीजर स्ट्रोक भी करेंगे। अब पूरे फेस पे फोरहेड पे टैपिंग करेंगे और फिर से जनरल एप्लीकेशन। अब चिक पे आएंगे, चिक पे बिग सर्कल इस तरह से फिंगर से पूरे फेस को कवर करते हुए बिग सर्कल बनाना है। स्मॉल सर्कल चिक बोन के लिए SN8 बनाएंगे। जिगजैग करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ आएंगे। सीजर स्ट्रोक करेंगे। एक तरफ से दूसरी तरफ आएंगे। क्रिस क्रॉस करेंगे। और अब इस तरह से अपलिफ्टिंग करेंगे। तो अपलिफ्टिंग भी हमें बहुत ही एकदम रिलैक्स के साथ करना है। इस तरह से चीक को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए यहाँ पे हमें टेम्पल पॉइंट पे प्रेस करना है।
दूसरे साइड भी ऐसे ही अपलिफ्ट करते हुए टेंपल पॉइंट पे प्रेस करेंगे। अभी पूरे फेस पे फिर से जनरल एप्लीकेशन करेंगे और आईज पे आईज को वाइब्रेट करेंगे। बहुत ही हल्के से हमें ऐसे हाथ रखना है और हटाना है, रखना है और हटाना है, इस तरह से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से। फिर उसके बाद करेंगे फेस पे थ्री वे स्ट्रोक, जो चिन से स्टार्ट होता है और ईयर लोब तक जाता है, लिप के कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए ईयर के सेंटर पॉइंट तक, नोज के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और ईयर के अपर पॉइंट तक। अब पूरे फेस पे प्रेशर पॉइंट दबाएंगे, फोरहेड के सेंटर से टेम्पल पॉइंट पे 3 बार करेंगे, आईब्रोज के सेंटर से टेम्पल पॉइंट पे, आईज के इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे, नोज के कॉर्नर पे, लिप्स के कॉर्नर पे, चिन के सेंटर पे, इस तरह से नेक के ब्यूटी बोन पे और नेक के बैक साइड में। तो इस तरह से हमें प्रेशर पॉइंट दबाना है। अब पूरे फेस पे टैपिंग, पिंचिंग और प्रेसिंग करते हैं और इस तरह से पूरे फेस को कवर करेंगे और इस तरह वाइब्रेट करेंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से हमें इस तरह अपने हाथों को हिलाना है और फेस को वाइब्रेट करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है और फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छे से निकल कर आता है। और इस तरह से फेदर टच के साथ हमारा जो स्टेप होता है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने भी सीखा होगा कि क्या होते हैं फेशियल स्टेप्स, क्या होते हैं फेशियल स्ट्रोक्स, उनके नाम क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे प्रेशर पॉइंट दबता है। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप फेशियल स्टेप्स के नाम और उसके स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फेशियल देखेंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरह से हम क्लाइंट पे फेशियल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।